नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब क्या है, और उन लोगों के नाम भी हम लोग देखेंगे जिन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब इसका है भारत, ठीक है, और मोस्टली सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों पर। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे ये, ठीक है, ये हैं प्रियंका पटवाल जी, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। संजय कुमार ने सही जवाब दिया है और काफ़ी विस्तार से लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, विकास मोनू पांडे जी ने, ठीक है, बिल्कुल विस्तार से इन्होंने लिख दिया है, पूरी डिटेल लिख दी है। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन के अनुसार इस साल भारत में 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट ILO ने यह कहा कि कोरोना वायरस को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट माना गया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी डिटेल लिख दी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, देश इसमें कितने शामिल हैं, नोबेल कब मिला था, ये काफ़ी डिटेल इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसमें भाई, देखिए संगीता इन्होंने दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है, कि इंडिया होगा। अवनीश कुमार ने सही जवाब दिया है, रूपम पाठक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और हम देख लेते हैं ये लास्ट स्लाइड होगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हैं कोई बुद्धि विलास जी, ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, ये देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन इंडिया है ना, 40 करोड़ पीपल गॉट बिलो पॉवर्टी लाइफ, ठीक है, और देखिए यहाँ पर हैं नंदलाल जी, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो यह की है 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, किसने, भारत सरकार ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए की सहायता देने का आश्वासन दिया। तो ये भाई $2.2 बिलियन देने की रुपए देने का आश्वासन दिया है, किसने भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब आप जानते होंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को ADB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इसके गठन की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, किसका, एडीबी का। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक से एक अभियान को शुरू किया। तो यह शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। चौथा आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया, क्या है इसका नाम है, ऑपरेशन शील्ड, ठीक है, तो ऑपरेशन शील्ड को किस राज्य ने शुरू किया है। तो यहां पर देखिए भाई इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार। अब दिल्ली सरकार का मतलब आप जानते हैं कि केजरीवाल, ठीक है, तो केजरीवाल भाई वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो यहां पर दिल्ली में शुरू किया गया ऑपरेशन सील्ड, ठीक। नाउ पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान को शुरू किया। तो भाई देखिए ट्विटर अभियान को शुरू किया है RBI बैंक ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसके गवर्नर वर्तमान में हैं शक्तिकांत दास हैं, और आप जानते हैं कि ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक। नाउ अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiJain को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है, DigiJain, ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो बैंक है इसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है, तो इसकी टैगलाइन है पैसे की कदर, ठीक है, तो ये टैगलाइन बहुत अच्छी टैगलाइन है। अब इसके CEO की बात कर ले तो भाई अजय कमल जी हैं CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नौ सातवां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया।
तो देखिए 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब देखिए इसका मतलब क्या है हिंदी में आप समझ लीजिए, इसका मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अर्थात इसका मतलब है भाई कि माताओं का जो होता नहीं है ना डिलीवरी वगैरह, तो सुरक्षित रहें, ठीक है। अब अगला आपका प्रश्न है कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर हैं, तो यह किसने कहा है? तो ये कहा है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रेस्पॉन्स ट्रैकर ने कहा है कि भारत कोविड-19 से लड़ने, मतलब भारत को जो प्रयास है इससे लड़ने का सबसे बेस्ट है दुनिया में। अब देखिए इसका रीजन आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन सबसे पहले किया गया था भारत में, ठीक है, मतलब बीमारी फैलने से पहले, इसलिए अभी तक की कंडीशन में भारत बेटर है और उम्मीद है कि आगे भी बेटर ही रहेगा। अब अगला प्रश्न है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ शुरू किया है किसने, फ्लिपकार्ट ने। चलिए अगला आपका प्रश्न है फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए ये मिला है 108वां स्थान, कौन सा, 108, ठीक है, ये स्थान मिला है भारत को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट में दे दिया कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे पूछा जाए तो बेल्जियम है, क्या है, बेल्जियम है फीफा की रैंकिंग में, ठीक है। अब आज का आपका प्रश्न है केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिकों को नागरिक डोमिसाइल के हकदार माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न है और ऑप्शन है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल। तो जो भी सही जवाब है आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंशन करेंगे कि लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।